Hello students of class 6, good morning, I am Malik sir. I am going to continue the revision of the lesson 4, right? What is the name of the sorting of materials? Right? So, kal jahan se padhaya tha usse aage main aaj discuss karunga, to dekhiye. Ab yahan main aapko karne ja raha hu, an object made up of कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल. एक ऑब्जेक्ट जो होता है कई सारे मटेरियल के कम्बिनेशन भी हो सकता है. जैसे एक बिस्किट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको बनाने के लिए कई सारी चीज़ों को कई सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है. वाइट फ्लोर जिसको मैदा कहते हैं, शुगर है, मिल्क है और वनस्पति घी. तो ये सारे ये अलग अलग मटेरियल्स. वाटर फ्लोर अलग मटेरियल है ना, शुगर अलग मटेरियल है, मिल्क अलग मटेरियल है, वनस्पति घी अलग मटेरियल है और इनसे मिल्क बनाए, इनसे इनकी मदद से क्या बनता है, बिस्किट बनता है. ठीक है, तो बिस्किट एक ऑब्जेक्ट है जो कई सारे मटेरियल्स के कम्बिनेशन से बनता है. तो इससे क्या जाहिर होती है बात, एन ऑब्जेक्ट में भी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. एक ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल्स का बना हो सकता है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल. हो सकता है कई सारे मटेरियल जो हैं, कई सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक ही मटेरियल के बने हों, है ना. जैसे प्लास्टिक का स्टूल है, प्लास्टिक का कुर्सी है, प्लास्टिक का बकेट है ना. ये सारी चीज किससे बने हैं, प्लास्टिक से. तो दोनों बात है, एक ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल्स का बना हो सकता है या अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल का हो सकता है. एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल. एक ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल के को कम्बाइन करके बनाया जाता है. तीन बात हुई. तो डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग गिवन ऑब्जेक्ट. ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से ऑब्जेक्ट की, कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ेगी आपको एक दिए गए ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो वी नीड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल. इसलिए हमको डिफरेंट मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने की जरूरत है ना. जैसे टी में क्या देख रहे हैं, टी में वाटर चाहिए, टी लीव्स चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, है ना. इसी तरह से वेजिटेबल करी बनाने में क्या सब चाहिए. देखिए, ऑल मटेरियल्स मेड ऑफ मैटर. ठीक है, जितने भी मटेरियल्स हैं वो आपको मैटर के बने होते हैं. आप बोलिएगा ये मैटर क्या होता है जी, तो दुनिया में कोई भी चीज जो जगह छेदता हो और उसमें मास हो वो मैटर कहलाता है. ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. यूनिवर्स में जितने भी चीज है सभी मैटर्स के बने होते हैं, है ना. बट व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, लेकिन ये मैटर किससे बना होता है, ये भी तो किसी चीज से बने होंगे. तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स. ये मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिसको एटम्स कहते हैं. ठीक है, जैसे एक लड्डू बेसन का, उसको हाथ में लेके क्रश कर दीजिए तो छोटे छोटे बुरादे आते हैं कि नहीं, तो छोटे छोटे बुरादे एटम हो गए और वो लड्डू मैटर हो गया. ठीक है, तो व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. एंड मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हुम वी से एटम्स. राइट, तो इसी तरह से मैंने आपको बताया सब बहुत सारी चीजें. एन एटम इज वेरी स्मॉल एंड इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई. एटम इतने छोटे होते हैं, जो लड्डू की बात बताया आप देखते हैं लेकिन एटम्स इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखाई नहीं देते. ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन एटम इज ऑल्सो एटम. आयरन का, गोल्ड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो एटम ही होगा, लेकिन वो गोल्ड के एटम अलग होंगे, आयरन के एटम अलग होंगे. इसी तरह से यहाँ देखिए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ना, दो एच और एक ऑक्सीजन, मतलब H2O. यहाँ पर वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, दो ऑक्सीजन एक कार्बन के मिलने से बना हुआ. द सब्सटांस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट. वो भी सब्सटांस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, है ना. जैसे ऑक्सीजन है O2, ठीक है, तो वो एलिमेंट है. गोल्ड एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, आयरन एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, तो ये सारे एलिमेंट है. ठीक है,
ठीक है, और इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल मींस। इन सब चीज़ों के बारे में आप आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, आगे की क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। और ऐसे भी सब्सटेंस है जहाँ, जैसे आपने देखा वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये दो अलग अलग एटम से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन, तो जो एक से अधिक तरह के एटम से मिलकर बनते हैं उनको कंपाउंड कहा जाता है ना। द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, जो आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं उनको कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, और कंपाउंड आपको जब भी एग्जिस्ट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हालांकि एलिमेंट आपको वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, सोडियम जो है आपको कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट सोडियम और क्लोरीन से बना है, शुगर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। इसी तरह से देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की बात करें, वी यूज मेटल्स लाइक स्टील और एल्यूमिनियम, ठीक है, टू मेक यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, खाने वाले बर्तन बनाने के पर्पज में हम लोग बनाते हैं इसको। बट वी नेवर यूज पेपर और मेकिंग सच यूटेंसिल्स, लेकिन कागज का तो नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, उस तो कारण होगा, बिकॉज पेपर यूटेंसिल्स कैच फायर, क्योंकि पेपर में जब हम आग को दिखाएंगे उसमें आग लग जाएगी, वो जल जाएगा। लेकिन वहीं पर मेटल्स के बने हुए, एल्यूमिनियम या स्टील के बने हुए बर्तन को रखते हैं तो वो जलता नहीं है। तो वेन प्लेस्ड ऑन द बर्नर, हैंस वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। इसलिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं किसी भी पर्पज के लिए, तो वो किस आधार पर करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर, एंड द पर्पज और किस उद्देश्य से हम उसका यूज करेंगे इसके लिए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपीयरेंस की बात करते हैं, पहला प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सामान्यतः जो ऑब्जेक्ट हो मटेरियल जो होते हैं दूसरे से अलग अलग होते हैं। सैंड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुड, बालू लकड़ी से बिल्कुल अलग दिखता है, ठीक है। वुड अपीयर्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक, वुड जो है प्लास्टिक से अलग दिखता है, प्लास्टिक अलग दिखता है किससे, एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम आयरन से या कॉपर से। एल्यूमिनियम कॉपर एंड आयरन हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन है ना एल्यूमिनियम कॉपर ये सब जो है, आयरन, इनमें कुछ कॉमन बातें हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो सैंड वुड और प्लास्टिक में नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी देखिए यहाँ पर, टू सेपरेट साइनी मटेरियल फ्रॉम ए ग्रुप, तो साइनी मटेरियल्स को अगर आपको ग्रुप में से अलग करना है, पीस ऑफ वुड कॉपर वायर एंड आयरन एंड पेपर प्लास्टिक एल्यूमिनियम रॉड एंड है ना सैंड पेपर, तो रब द सर्फेस ऑफ ईच मटेरियल, सभी मटेरियल्स के सर्फेस को आप थोड़ा सा रगड़ दीजिए, उसके बाद देखिए कौन चमकता है ना, जो चमकेगा वो साइनी मटेरियल्स होगा, उसको एक अलग ग्रुप में रखिए, जो नहीं चमकेगा उसको अलग ग्रुप में रखिए। तो स्पेशल काइंड ऑफ साइन ऑन मटेरियल्स विच अपीयर्स व्हेन मटेरियल्स आर फ्रेशली कट, किसी चीज़ को तुरंत तुरंत काटते हैं तो उसमें एक अलग तरह का चमक होता है, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उसमें लस्टर होता है ना, इसलिए उसको लस्टरस मटेरियल कहते हैं। मटेरियल्स लाइक कॉपर, मटेरियल्स लाइक पेपर है, वुड है, प्लास्टिक है, कॉटन है, ये सब में लस्टर नहीं होते, चमक नहीं होती है, इसलिए ये नॉन लस्टरस होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्टरस, अधिकतर जो मेटल्स हैं वो क्या है, लस्टरस है, लस्टरस नेचर के होते हैं, इसलिए उसका यूज खासकर सिल्वर है, गोल्ड है, उसके चमक के कारण से ही उसका यूज ऑर्नामेंट्स बनाने में होता है। उसके आधार पर हम लोग दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, है ना, मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वो है MCQ, तो देखिए यहाँ पर, ग्रुपिंग थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसमें बी होगा, है ना, पहले वाले में। दूसरे में ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ गोल्ड, है ना, गोल्ड से बनता है, अभी जानते हैं, ए होगा इनसे। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ क्या होगा, मेटल, सी होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मेटल, वो कॉपर रॉड, वुडन चेयर,
हीरेज है जो कॉपर रॉड होगा इसमें, बी शब्द फॉलिंग इज आयरन नन लस्टरस, इसमें वुड होगा, वुड जो है उसमें कोई चमक नहीं होती उसकी, है ना। तो आज के लिए इतने ही, कल आगे करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।